इसी हरियाणा के मिसलाव बोसुस उत्र एसकेसीसी उस आठ ताकि कॉन्फ्रेंस आ बोस ताकि मेहमानी खुशोसी ये बच्चे मैं क्या छोड़ रहा हूँ दोबारा टांग मर गया मैं क्या किये दोबारा जलवाये जो बेहतरीन एमिशन अलग ये चीज़ उम्री मंस टैलेंट तो ये बोझ है मिस मंदे ये मैं ये कि दोन टेन मिनटन मंस वाली ये तो ये बच्चों के मिस को द टैलेंट सर आज के प्रोग्राम के हवाले से आपके किस तरह के तासुरात हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का ये वन डे एग्रो फेस्टिवल आप गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री शीफ हस्बेंड्री फिशरीज और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो स्कीमें हैं उनकी तशहीर और इसके साथ साथ जो हमारे इलाके में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो लोग कामयाब हुए हैं इन यूनिट्स को कायम करने में उनके साथ आवाम की इंट्रैक्शन और मैं हर एक महकमे का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत की है और आगे जो है हमारे जो भी स्कीम्स हैं मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे इस इलाके को ह्यूज पोटेंशियल है इन द सेक्टर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री और उसमें पोल्ट्री भी है उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का यहाँ ह्यूज स्कोप है और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग इन स्कीमों का फ़ायदा लेंगे और जो हमारे नौजवान अपना रोज़गार खुद कमाना चाहते हैं उनको इज्जत का रोज़गार मिले और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि अगले 5 साल में हम एक सफ़ेद इनकलाब लाएंगे दैट इज़ दैट डेयरी प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह हमारे पास बेस्ट डेयरी यूनिट्स होंगे इसके साथ साथ शीप हस्बेंड्री के शीप के काफ़ी यूनिट्स होंगे यहाँ कायम करना चाहते हैं और जो एग्रीकल्चर में सब्ज़ियाँ हैं हम बाकी जगहों से सब्ज़ियाँ लाते हैं इलाके में इंशाल्लाह 5 साल में हमारा इलाका बाकी इलाकों को सब्ज़ी जो है दस्तयाब कर सकता है हमारे यहाँ बेरोज़गारों की बड़ी तादाद है अगर हम पढ़े लिखे नौजवानों की बात करें तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस के अलावा उन्हें अब फार्मिंग की तरफ आना चाहिए देखिए एक बात है मैं अर्ज़ करूँगा जिसको नौकरी मिले मैंने ये भी आज उनको कहा जिसने भी यहाँ हमारे इलाके के किसी नौजवान ने फॉर्म भर दिया होगा SSB में या किसी और सिलेक्शन अथॉरिटी के पास हम उनका बाज़ाबता है उससे टेस्ट से पहले इनको इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोचिंग कराऊंगा और इसके साथ साथ जिन लोगों को रोज़गार मिलेगा सरकारी नौकरी मिलेगी उनको मुबारक लेकिन हमारे पास गुलमर्ग है विच इज़ इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और इंशाल्लाह हम इज्जत का रोज़गार इनको दिलवाएंगे गुलमर्ग से इंशाल्लाह और मैं पूरी कोशिश करूँगा जो मैंने कहा है कि हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं पढ़े लिखे हैं इंशाल्लाह उनको इज्जत का रोज़गार देंगे फारूक साहब ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि गुलमर्ग के अंदर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप किस तरह के इकदाम उठाएंगे देखिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर हर एक जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनमें जो तामीर के लिए जो इजाज़त देते हैं दैट इज़ द बोका वो हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर कंसर्न उसमें जो है सबको देखना चाहिए जो हमारे CO साहब हैं उसमें उनका देखना चाहिए और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि गुलमर्ग इंशाल्लाह वी आर कमिटेड टू मेक गुलमर्ग वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशंस इन आवर कंट्री चंद दिनों के बाद जो है फारूक साहब जो है असेंबली ऐवान शुरू होने जा रहा है ओला टूरिज्म के हवाले से आप क्या वहाँ पर अहम सवाल उठाएंगे वक्त ही फैसला करेगा हम कौन से सवाल उठाएंगे इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब वो एक विजनरी चीफ मिनिस्टर है उसका इंशाल्लाह एक मिशन है जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार देने के लिए इंशाल्लाह हम पूर उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह जो भी हमने वादे किए हैं लोगों से खासकर नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ज़रूर हम उनको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करेंगे कुछ दिन पहले आपने सफाई अभियान आज सर बायकॉट किया तो क्या बताना चाहिए LG साहब ने इस पर कंडम किया साहब जो हमारी पार्टी का फैसला है हमारे कायद ने जो फैसला किया है हम जो है हमारे हम अपनी कायद के साथ हैं वी आर एट हिज बैक एट स्पॉट